दोस्तों नमस्कार। किसी शायर ने इतना अच्छा लिखा है कि तूफान से टूटा घोंसला तो क्या हुआ, चिड़िया बोली फिर आसियां बनाते हैं, जो हुआ सो हुआ। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, मंजिल नहीं मिलती, कभी प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कभी मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कभी साक्षात्कार तक पहुंच करके वापस लौट आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसीजर है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, चिड़िया बोली जो हुआ सो हुआ। तो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि जो ये जो संघर्ष है, ये एक पार्ट एंड पार्सल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है उसमें कोई विरला ही होता है जिसका प्रथम प्रयास के अंदर चयन हो जाता है, बाकी संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष सब ने किया है। इसलिए एक शायर लिखते हैं कि अंधेरे से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू सारा अंधेरा हार लेता है। और किसी ने लिखा है, ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं और गमों की धूप के आगे खुशियों के साए हैं। तो ये संघर्ष है, संघर्ष के बाद अच्छा होगा। अगर जीवन के अंदर बुरे दिन चल रहे हैं तो मान करके चलिए अच्छे दिन आएंगे। और घनघोर अंधेरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि घनघोर अंधेरा कितना भी तेज क्यों ना हो, और सुबह होकर के रहती है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलें देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। तो ये मन में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, या राजस्थान स्टेट सबॉर्डिनेट जो बोर्ड है उसकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास रखो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और किसी ने लिखा है कि ज़मीर को जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए दिल में फ़कीर को जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रख। और किसी ने लिखा है कि आज थोड़ी बिगड़ी है, आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे, जिंदगी ही तो है, जिंदगी ही तो है, संवार लेंगे। तो इसलिए दोस्तों मान के चलिए, आपको सफलता मिलने में देरी हो रही है तो परेशान नहीं होना, उद्विग्न नहीं होना, हताश नहीं होना, और जम करके मेहनत करनी है। भरोसा रखो खुद की मेहनत पे, भगवान पे, अपने कर्मों पे, माँ बाप के आशीर्वाद पे, निश्चित रूप से अच्छा होकर के रहेगा। वापस वही बात कहूँगा कि घनघोर अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, सुबह होकर के रहती है। लोगों की बातों की परवाह मत कीजिए, लेकिन अपने कर्मों पे भरोसा कीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का जो लेवल है आपका, उस लेवल तक आपको पहुँचना पड़ेगा। पिछले सालों के पेपर देखने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर पहुँच जाओ बिना विकल्प के, आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।